नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। धनतेरस को धनवंतरी जयंती या फिर धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस के दिन से ही 5 दिवसीय दिवाली पर्व की शुरुआत हो जाती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार धनतेरस 2 नवम्बर मंगलवार के दिन पड़ रही है, यानी कि आज, और इस दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु जी का ही अवतार हैं और इसलिए आज के दिन भगवान धन्वंतरी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही धन कुबेर की पूजा का भी विधान है। इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा में यम के नाम का दीपक भी जलाया जाता है ताकि अकाल मृत्यु का भय ना रहे। पौराणिक कथा के अनुसार देवों और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया था। इस समुद्र मंथन के दौरान धन के देवता धन्वंतरी और माता लक्ष्मी दूध सागर से धन त्रयोदशी के दिन ही प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी को चिकित्सा और औषधि के देवता के रूप में भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, वो देवताओं के चिकित्सक भी हैं। उन्हें भगवान विष्णु नारायण की संबद्धता के रूप में दर्शाया गया है। भगवान धन्वंतरी समुद्र में वास करते हैं। वो कमल पर शंख और चक्र धार किए हैं। अमृता और जोक उनके प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से साल भर धन की कमी नहीं होती, साथ ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आप पर कृपा बनाए रखती हैं। तो आज धनतेरस का त्यौहार देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स समिट ऑफ COP26 में दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखते हुए वैश्विक मंथन पर पंचामृत की सौगात दी है। सोमवार को जोर देकर कहा कि भारत एकमात्र देश है जो पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए उसकी भावना के तहत अक्षरश कार्य कर रहा है। ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र COP26 के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। उन्होंने जीवन शैली में बदलाव का आह्वान करते हुए कहा कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील जीवन शैली जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए दीर्घकालिक उपाय हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को वैश्विक मिशन बनाया जाए। पीएम मोदी ने दोहराया कि विकसित देशों को जलवायु वित्त पोषण के लिए $1 खरब देने के अपने वादे को पूरा करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी निगरानी उसी तरह की जानी चाहिए जैसा जलवायु शमन की होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत उम्मीद करता है कि विकसित देश यथाशीघ्र जलवायु वित्त पोषण के लिए $1 खरब उपलब्ध कराएंगे। जैसा हम जलवायु शमन की निगरानी करते हैं, हमें जलवायु वित्त पोषण की भी उसी तरह निगरानी करनी चाहिए। वास्तव में न्याय तभी मिलेगा जब उन देशों पर दबाव बनाया जाएगा जो जलवायु वित्त पोषण के अपने वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन के उपयोग में उल्लेखनीय कमी लाएगा और नवीनीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत 2030 तक अनुमानित उत्सर्जन में 1 अरब टन कार्बन उत्सर्जन कम करेगा। भारत कार्बन की गहनता में 45% तक कटौती भी कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट के दौरान कहते हुए नजर आए कि दुनिया की आबादी में भारत की 17% हिस्सेदारी है, लेकिन कार्बन उत्सर्जन में योगदान महज 5% ही है। क्रूज ड्रग्स मामले में गवाह सेम डिसूजा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने ये कहा कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद नहीं किया गया था। सेम ये कहते हुए नजर आए कि किरण गोस्वामी पैसों की डील करना चाहता था। उन्होंने दावा किया है कि सुनील नाम के शख्स को गोस्वामी से निर्देश मिल रहे थे। आर्यन को छोड़ने के बदले 18 करोड़ की डील के सवाल पर सेम डिसूजा ने कहा कि मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। सुनील पाटिल ने मुझे फोन किया था और कहा था कि मेरे पास कौडिल्या शिप के बारे में कुछ जानकारी है। उसके बाद उन्होंने कॉल किया और कहा कि एनसीबी अधिकारी के साथ कनेक्ट कराएं। जो मैंने कनेक्ट करा दिया तो किरण गोस्वामी का मेरे पास फोन आया। उन्होंने कहा कि हम लोग अभी अहमदाबाद में हैं और सुबह 7 बजे तक मुंबई पहुंच जाएंगे। तो ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जो क्रूज ड्रग्स मामले हैं, इसमें बड़े खुलासे रोजाना हो रहे हैं। वहीं सैम डिसूजा ने कहा है कि आर्यन खान ने किरण गोस्वामी से कहा था कि आप मेरी मैनेजर से बात कराइए। सैम ने कहा कि वो शाहरुख की मैनेजर पूजा को नहीं जानते। सैम आगे कहते हैं कि उस वक्त गोस्वामी ने उन्हें बताया कि वो
क्लीन है, उनके पास से कुछ नहीं मिला और हम उसकी मदद भी कर सकते हैं। ये बड़े खुलासे लगातार इस पूरे मामले में होते हुए नजर आ रहे हैं। सैम डिसूजा ने बताया कि गोसावी ने उन्हें आर्यन खान का सिल्वर रंग का बैग दिखाया और बैग की तस्वीर भी ली थी। उसके बाद वो अंदर गया। गोसावी ने आर्यन की आवाज़ रिकॉर्ड की जिससे आर्यन कह रहे थे कि पापा मैं एनसीबी में हूँ। सैम डिसूजा ने दावा किया है कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से बात की। सैम ने कहा कि इसके बाद उन्होंने पूजा को बताया कि वो इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते जो इस मामले को हैंडल कर रहे हैं, उनसे जाकर मिलिए। इसके बाद हम उनसे लोअर परेल में मिले। सैम ने कहा कि उस वक्त वहां पर गोसावी था और चंकी पांडे और पूजा ददलानी के पति भी मौजूद थे, यानी कि इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया गया है। गोसावी ने आर्यन का जो बयान है वो दर्ज कराया था। तो क्रूज ड्रग्स मामले में रोजाना बड़े खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दूँ कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया था और दो दिन पहले ही वो जेल से छूटे हैं। देश में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 3 लोकसभा सीटों और 29 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को हुए उपचुनाव के लिए मतगणना आज हो रही है। 3 नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा देने वाले इंडियन नेशनल लोकदल नेता अभय चौटाला, कांग्रेस के दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह और पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉलर ई लिंग दोह और तेलंगाना के पूर्व मंत्री ई राजेंद्र प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल हैं जिनके भाग्य का फैसला हो सकता है। विधानसभा उपचुनाव असम की 5, पश्चिम बंगाल के 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय के 3-3, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान के 2-2 और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना के 1-1 सीट के लिए मतदान हुआ था। इन 29 विधानसभा सीटों में से भाजपा के पास पहले करीब आधा दर्जन सीटें थी, वहीं कांग्रेस के पास 9 सीटें और बाकी क्षेत्रीय पार्टियों के पास थी। जिन सीटों पर लोकसभा उपचुनाव हुए उसमें दादर और नागर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश में खंडवा सीट शामिल है। 3 लोकसभा सीटों के मौजूदा सदस्यों की मृत्यु हो गई थी। मंडी सीट गत मार्च में रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद खाली हुई थी। खंडवा संसदीय सीट के लिए उपचुनाव भाजपा सांसद अनंत कुमार सिंह चौहान के निधन के चलते कराना आवश्यक हो गया था, जबकि दादर और नागर हवेली में ये निर्दलीय लोकसभा सदस्य मोहन डेलकर के निधन के बाद कराना पड़ा है। तो जिसके लिए आज मतगणना हो रही है और उम्मीद आज ही नतीजे आ जाएंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सोमवार की देर रात करीब 1 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, उनकी गिरफ्तारी की सूचना ईडी के अधिकारियों ने दी है। ईडी के अधिकारियों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अनिल देशमुख को जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार खुद अनिल देशमुख से पूछताछ करने के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे। तो इससे पहले ईडी की ओर से तलब कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईडी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अनिल देशमुख पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। अनिल देशमुख को कोर्ट में पेश किया जाएगा और खबरें ये भी आ रही हैं कि अनिल देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंह ने कहा है कि 4.5 करोड़ रुपए से जुड़े इस केस की जाँच में हम सहयोग कर रहे हैं। जिस वक्त कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा तो उनके रिमांड का विरोध भी कर सकते हैं। ईडी ने साफ साफ कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री ने जांच में सहयोग नहीं किया है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख अपने वकील के साथ सुबह करीब 11:40 पर दक्षिणी मुंबई के बलार्ड एस्टेट इलाके में स्थित जांच एजेंसी में कार्यालय में पहुंचे थे और ईडी के अधिकारी लगातार उनसे पूछताछ कर रहे थे, मामले से संबंधित जानकारी जुटाने की कोशिश में लगे हुए थे। तो गिरफ्तारी को लेकर अधिकारियों की ओर से जानकारी दे दी गई है कि केंद्रीय जांच एजेंसी महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में 100 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत वसूली मामले में की जा रही आपराधिक जांच में संबंध में धन शोधन रोकथाम कानून के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 71 वर्षीय नेता के बयान दर्ज किए गए। बता दें कि वसूली के आरोपों के कारण देशमुख को अप्रैल में इस्तीफा देना पड़ा था और अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। उनके वकील ये कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर वो विरोध दर्ज कराएंगे। फिलहाल देखना होगा कि आज कोर्ट में इस तरह सुनवाई होती है और क्या कुछ होता है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार को लगातार छठे दिन खराब श्रेणी में दर्ज की गई और यहां की हवा से मौजूदा प्रदूषक पीएम 2.5 में 7% की हिस्सेदारी पराली जलाने की रही है। वायु गुणवत्ता का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी सफर ने कहा है कि पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं की वजह से अगले 2 दिन में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में आंशिक सुधार हो सकता है। दिल्ली के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में पीएम 2.5 और पीएम 10 प्रदूषक का स्तर दिवाली की रात क्रमशः 250 माइक्रोग्राम और 398 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के स्तर पर पहुंच सकता है। उल्लेखनीय है कि पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्वीकार्य स्तर क्रमशः 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो सकता है, यानी कि आने वाले समय में वायु गुणवत्ता और ज़्यादा राजधानी दिल्ली की खराब हो सकती है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता में 5 और 6 नवम्बर को उल्लेखनीय गिरावट आने का पूर्वानुमान है। इसके पहले बहुत खराब श्रेणी में जाने की आशंका है, यानी कि 6 या 7 नवंबर को तो जो हवा की क्वालिटी है वो उसमें सुधार आ सकता है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में डेज चल रहे हैं उनमें काफी ज्यादा खराब स्थिति हवा की हो सकती है। इस स्थिति के लिए पीएम 2.5 प्रदूषक मुख्य रूप से जिम्मेदार हो सकता है। सफर ने यह भी बताया कि रविवार को दिल्ली के उत्तर पश्चिमी इलाकों में पराली जलाने की 3971 घटनाएं दर्ज हो गई थी, जो इस मौसम में सबसे ज्यादा है। एजेंसी ये भी बताती है कि पराली जलाने से निकलने वाले पीएम 2.5 का हिस्सा प्रदूषण में कम रहा क्योंकि उनके वहन के लिए हवा की प्रतिकूल परिस्थितियां रही हैं, लेकिन एयर क्वालिटी दिन प्रतिदिन खराब होती हुई दिल्ली में नजर आ रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आंकड़ों से पता चला है कि राजधानी में 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 271 दर्ज किया गया। रविवार को और शनिवार को एक्यूआई क्रमशः 289 और 278 दर्ज किया गया था। यूपी के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अब अयोध्या कैंट कर दिया गया है। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग नितिन रमेश कोनकर ने अधिसूचना जारी की। ये फैसला पहले ही किया जा चुका था कि फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया जाएगा, अब अधिसूचना जारी कर दी गई है। बीते अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री के ऑफिस ने ट्वीट किया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साल 2018 में फैजाबाद जिला और मंडल का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था। इसके अलावा बीजेपी की सरकार ने इलाहाबाद जिले का नाम बदलकर प्रयागराज और मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया था। अक्टूबर 2018 में योगी सरकार ने संगम नगरी इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया। इसके बाद प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हुआ। शहर का नाम बदलकर अब प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों के नाम भी बदल दिए गए हैं। वहीं फरवरी 2020 में प्रयागराज के 4 रेलवे स्टेशनों के नाम भी बदल दिए गए। इलाहाबाद जंक्शन अब प्रयागराज जंक्शन बन गया है। इसके अलावा इलाहाबाद सिटी स्टेशन, रामबाग और इलाहाबाद शिखरी स्टेशन के नाम भी बदल दिए गए हैं। साथ ही प्रयागराज घाट का नाम बदलकर प्रयागराज संगम कर दिया गया है, यानी कि नाम बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। तो फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदला गया है, अब अयोध्या कैंट हुआ फैजाबाद जंक्शन। हालांकि पहले ही इस बात के लिए ट्वीट कर दिया गया था मुख्यमंत्री मंत्रालय की तरफ से, लेकिन अब इसकी आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव की सामाजिक यात्रा कल अलीगढ़ पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर कहा कि हम अशफाक उल्ला खां, एपीजे कलाम और अब्दुल हमीद को जानते हैं, लेकिन जिन्ना को नहीं, और अगर अखिलेश ने यह बयान दिया है तो उनसे ही पूछे। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जिन्ना का जिन जागा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जिन्ना और पटेल पूरी तरह से
इन पर बयान दिया था, टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार लगातार अखिलेश यादव को माफी मांगने के लिए कहती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर जब अलीगढ़ पहुंचे शिवपाल यादव तो उनसे सवाल किया गया, उन्होंने साफ तौर पर किया कि अखिलेश यादव ने अगर इस तरह का कोई बयान दिया है तो उन्हीं से पूछे, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। हम तो जानते हैं अशफाकतुल्लाह साहब को, जानते हैं हम, जानते हैं APG कलाम को, जानते हैं हैं, और उनको जानते हैं जिन्होंने उसके लड़ाई में टैंक अब्दुल हमीद जिन्होंने टैंक तोड़े थे, शहीद हुए थे, इनको हम जानते हैं। अब उनको तो हम जानते नहीं, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब। और विवाद चल गया इस पर, नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना है, लेकिन तो क्या तुलना की जा सकती है महात्मा गांधी से, पटेल से और जवाहरलाल नेहरू से, जिन्ना की? जब हम जानते ही नहीं तो तुलना हम कहाँ करें। कुशीनगर के सेवरी कस्बे से समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश सचिव बालकृष्ण मिश्र मौजूद रहे। इस दौरान बालकृष्ण सचिव ने भाजपा सरकार पर महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कृषि कानून के जरिए किसानों को मालिक से नौकर बनाने पर तुली हुई है। तो सपा भी प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए कुशीनगर पहुंची। आपको बता दें कि प्रदेश सचिव बालकृष्ण यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद रही और इस दौरान वो बीजेपी सरकार पर हमलावर होते हुए भी नजर आए हैं। यानी कि इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई तरह के उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है। कई प्रबुद्ध सम्मेलन किए जा रहे हैं, कहीं यात्राएं निकाली जा रही हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी खूब किया जा रहा है। हमारे वोटर्स समर्थक हैं, ये अस्थाई सरकार से डर रहे हैं ना, ये कानून का उल्लंघन करके ये किसी को फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। इस स्थिति में लोग हमको वोट देने के तत्पर हैं। आज जिस दिन भाई चुनाव होगा उस दिन हमारे समर्थकों की तादाद के बारे में जानकारी हो जाएगी और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के वर्कर, उसके पदाधिकारी, नेता इस सरकार को बदलने के लिए कृत संकल्पित हैं। समाजवादी पार्टी ने सभी वर्गों का ध्यान रख करके पूरे समाज का अपने दल के साथ सीधा रिश्ता, सीधा समर्थन जोड़ने का बहुत पहले से अभियान चलाती रही है। उसी का एक हिस्सा है प्रबुद्ध सभा समाजवादी पार्टी का। इस आतताई सरकार से हर समाज पीड़ित है और इस आतताई सरकार को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश में एक विकल्प दिखाई दे रहा है जो समाजवादी पार्टी है और उसके शीर्ष नेता राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी हैं। वहीं बिजनौर में यातायात माह का कल भव्य शुभारंभ हुआ, जहां DM और SP ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने लोगों को यातायात के नियमों को लेकर जागरूक किया है। इस जागरूकता रैली में शहर के विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों छात्र छात्रों ने भाग लिया है और इस जागरूकता रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकाली गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं बिजनौर की, जहाँ बच्चों ने रैली निकाली है, लोगों को यातायात के नियमों से अवगत कराया है और जागरूक करने की यहाँ पर कोशिश भी की गई है। सुल्तानपुर के दरियापुर मोहल्ला स्थित शगुन लॉन में मारवाड़ी महिला युवा मंच की ओर से दीपावली मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सिविल जज अशालिका पांडे ने शिरकत की, साथ ही कार्यक्रम में बच्चों को उपहार भी दिए गए। वहीं इस मेले में फीमेल फैशन शो का भी आयोजन किया गया जिसमें 16 से 22 साल के युवक और युवतियों ने प्रतिभाग भी लिया है। तो सुल्तानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां दिवाली मेले का आयोजन किया गया है। सिविल जज अशालिका पांडे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची और इस कार्यक्रम में मौजूद रही। जो बच्चे यहां पर अनेक प्रस्तुति कर रहे थे उन्हें उपहार भी भेंट किए गए हैं। हरिद्वार के लक्सर रोड बुद्धि माता मंदिर के पास कॉलोनी में जंगली हाथी के घुसने से हड़कंप मच गया। लगभग आधे घंटे तक हाथी ने कॉलोनी में उत्पात मचाया, कॉलोनी में बनी दो दीवारों को भी गिरा दिया। जब लोगों ने देखा कि रात में एक जंगली हाथी कॉलोनी में घुस आया है तो लोगों में दहशत का माहौल बन गया
और लोगों ने शोर मचाना भी शुरू कर दिया। आसपास के लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंचे। लोगों ने शोर शराबा करके ही हाथी को कॉलोनी से बाहर भगाया। वहीं ये पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। तो हाथी के आने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था। सूचना के बाद भी वन विभाग नहीं पहुंचा। चमोली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिला मुख्यालय स्थित प्रगति वेंडिंग पॉइंट हॉल में जिला स्तरीय आशा सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान जिले में सराहनीय कार्य करने वाली आशा, आशा सुपरवाइजर और आशा ब्लॉक समन्वयक को प्रशस्ति पत्र, मेडल और प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि जिले में 663 आशा, 42 आशा सुपरवाइजर और 9 ब्लॉक समन्वयक कार्यरत हैं। तो जिला स्तरीय आशा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजित किया गया और आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया है। प्रत्येक वर्ष की भांति नेशनल हेल्थ मिशन के से हमें डायरेक्शन मिलता है कि आप लोगों को आशाओं के सम्मान के लिए आशा सम्मेलन रखना है, तो इस बार हमने आज 30 अक्टूबर को रखा। अदरवाइज हम लोग मार्च में रखते हैं, तो क्योंकि शायद चुनाव होंगे मार्च में, आचार संहिता लग जाएगी, तो इसलिए हमें यह दिशा निर्देश थे कि अक्टूबर में ही आपने इस सम्मेलन को रखना है। तो आशाएँ हमारी जो है बहुत सारे ब्लॉक से हमारी आशाएँ आ रही हैं, 9 के 9 ब्लॉक से। सभी आशाओं को हम नहीं बुला पाए हैं, लेकिन हर ब्लॉक से हमने कोशिश की है कि 5-5, 6-6 आशाएँ लगभग आएँ। और इसके साथ हमारे आशा फैसिलिटेटर भी आए हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी आए हैं और हमारा NHM का स्टाफ भी यहाँ पे है। इन लोगों के सम्मान के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। गंगोत्री धाम में सभी तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों की एक आवश्यक बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 11 सितंबर को मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत में 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने का निर्णय लिया जाना था, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिस पर सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि संपूर्ण गंगोत्री बंद रहेगी। गंगोत्री धाम में व्यापार मंडल पूरी तरह से बंद और किसी प्रकार की पूजा पाठ का कार्य नहीं करेंगे। तो एक बार फिर से पुरोहितों और व्यापारियों की बैठक हुई है। गंगोत्री धाम में पूजा पाठ नहीं करने का यहां पर संगठन ने निर्णय लिया है। दरअसल देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग लगातार यहां पर तीर्थ पुरोहित कर रहे हैं। सरकार ने वादा भी किया था, लेकिन उसके बावजूद अब तक देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया है, जिससे यहां पर तीर्थ यात्री और तीर्थ पुरोहित और व्यापारी काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर पुरोहितों और व्यापारियों के बीच बैठक हुई है और इस बैठक में फैसला लिया गया है कि गंगोत्री धाम में किसी तरह की कोई पूजा पाठ नहीं होगी। हम लोगों की माननीय मुख्यमंत्री जी से एक वार्ता हुई थी 11 सितंबर को, और उसमें तय हुआ था कि 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड जो है ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन 30 अक्टूबर परसों ख़त्म हो गया और अभी तक जो है उस पर कोई भी सकारात्मक विचार और कोई बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की या उत्तराखंड सरकार के द्वारा नहीं आई। और हमने उस दिन स्पष्ट कर दिया था कि यदि सरकार इसको 30 अक्टूबर तक वापस नहीं लेगी तो 1 नवंबर से जो है बड़ा आंदोलन जो है चारों धामों में होगा। तो आज आपने देखा होगा केदारनाथ में भी आंदोलन हो रहा है, चारों धामों में आंदोलन हो रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमने गंगोत्री धाम में पूर्ण बंद का जो है आह्वान किया हुआ है और पूरा आपने देखा पूरा प्रतिष्ठान सारे यहाँ पर बंद हैं। घाट में जो पूजा पाठ जो यहाँ पर चलती थी वो सब बंद है। लोगों को यहाँ पर पानी तक नहीं मिला, सारा लोगों जन समर्थन में सारे लोग यहाँ जो है परिसर में खड़े हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।